ہندوستان میں الگ الگ دھرم ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ہندو میں بھی کئی دھرم ہیں، بودھ دھرم الگ، جین دھرم الگ، ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مثال اس دھام نے دی، ایک طرف پیر بابا کا استھان اور ایک طرف شنکر بھگوان کا پارے کا شیولنگ، اور یہ 51 کنڈی مہایگ، اس سے ثابت ہوتا ہے بھکتوں کہ اس دھام میں اتنی کرامات ہے، سچے دل سے کوئی یہاں پر آتا ہے اس کی من کی مراد پوری ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ میرے بھجن میں تاڑی بجا کے بھی میرا ساتھ دے، تاکہ یہ کیمرہ ریکارڈ کرے اور پوری دنیا کو پتہ لگے انٹرنیٹ کے مادھیم سے کہ مانڈن دھام، مانڈن گاؤں دھام بن چکا ہے، اور دھام بنانے کا سرے آپ سبھی بھکتوں کے ساتھ ساتھ گرو جی انیل پروہت جی کو بھی جاتا ہے۔ بولیے گرو مہاراج کی جے۔ پیر بابا اور شنکر بھگوان دونوں کا سنگم، آئیے کس پرکار اس دھام کے لیے چلیے۔ بابا کے جیکاروں میں جھوم رہا شیو شنکر بھولا بھاڑا، اور ایک بار ہاتھ اٹھا لو سارے بھکت اور تالی بجا کے کہہ دو مہنت انیل پروہت تیرا سیوا دھام نرا۔ राजस्थान मांडन में, अलवर राजस्थान मांडन में भगत नाच रे सारे, अलवर राजस्थान मांडन में भगत नाच रे सारे। 51 कुंडी यज्ञ सजा मंदिर के अजब नजारे, 51 कुंडी यज्ञ सजा मंदिर के अजब नजारे। किसने दर्शन करे पारे के शिवलिंग के, हाथ उठा के बता दीजिए। हरियाणा राजस्थान में ये पहला मंदिर ऐसा है। कभी शिवलिंग की परिभाषा पढ़ना, शिव का मतलब भगवान भोलेनाथ और लिंग का मतलब प्रतीक, शंकर भगवान का प्रतीक, और जहां पारे का शिवलिंग हो ये धाम देखना भक्तों, आपकी मेहनत से, गुरु जी की मेहनत से कैलाश पर्वत बना के छोड़ोगे, इतना विश्वास आज मुझे हो गया आपकी भक्ति और आपकी शक्ति में। पारे का शिवलिंग स्थापित, पारे का शिवलिंग स्थापित, हरि की माला। बालकपन में जोग लिया
तन बालकपण में जोग लिया तू बन बैठा वेरा की बालकपण में जोग लिया तू बन बैठा वेरा की काम क्रोध मद लोभ मोह तन सारी तृष्णा त्यागी काम क्रोध मद लोभ मोह तन सारी तृष्णा त्यागी मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है जब कुछ लोग भाई हंस के कह देते हैं करियो के कर दिया गुरुजी ने। सच्चाई की बात है करने वाले को पता है। आप लोग एक बार इस बात को अपने मन में सोच लो कि आज तने यो काम करना है रूह कांप जाएगी। लेकिन आज समाज ऐसा हो गया कोई बढ़िया हो या घटिया हो उंगली सब कने कर दे है। कितना ही बढ़िया हो आदमी उसमें खोट जरूर निकाल देता है क्योंकि आज का इंसान उस मक्खी की तरह है उस माखी की तरह है पूरे सुंदर शरीर को छोड़कर उड़े बैठेगा जहां इंसान का घाव हो रहा है। सुंदर शरीर को नहीं देखेगा क्यों कहेगा चैट हो रही है इसके घाव हो रहा है खराब है यो। सजनों इसी धाम पर किसी गाने वाले ने पब्लिक को सुना रहा बात कह रहे राम रहीम देखो कैसा हो गया आसाराम बापू कैसा हो गया रामपाल कैसी हो गया राधे मां कैसी होगी। धन्यवाद भाई। इन बातों से छुप दो करके कई लोग कह देते भाई अनिल पुरोहित जी नई उम्र का है पता नहीं आगे के करेगा। वासना तृष्णा हर इंसान के साथ परमात्मा ने लगाई है। लोगों को कई आदमियों को बहम था कि यार इस मंदिर पर जंगल में मंदिर है बाण बेटी माते बहने आएगी। कई लोगों को शक था बिना कुछ सोचे समझे जिंदगी की परवाह नहीं करी और अपने आप को आपके बीच भीष्म पितामह बनकर आपको दिखाया है। दिल की गहराई से हाथ उठा के ताली होनी चाहिए आपकी तरफ से। इतना बड़ा बलिदान अपने जीवन को दांव पे लगा दिया किसके लिए क्षेत्र के लिए भक्तों के लिए अपने लिए कुछ नहीं करता कभी कोई संत। सुनिए आखिर में क्या लिखा अरे साधु हो से स्वाधु साधु और स्वाधु स्वाद लेनी है स्वादु साधु होता है परमात्मा का भजन करने वाला। निबले एक आदमी साधु हो से स्वादु एक मूर्ख ने ताना मारा साधु हो से स्वादु एक मूर्ख ने ताना मारा। और आपकी ताली के साथ कहूंगा कि जब ये कह दे के साधु स्वादु होता है मूर्ख ने ताना मारा अरे पल में भी सम बने महंत जब बही खून की धारा पल में भी सम बने महंत जब बही खून की धारा अरे देख नजारा वो पापी देख नजारा वो पापी अरे खाते पड़ा तिवारा मैं तभी लूट तेरा झूठ मत बोलना। सिद्ध सेवा धाम पर कई मेरी माताएं बहने में सकल पहचानने लगा हूं तीसरी चौथी बार आया हूं दिल से इस धाम को मानता है वो हाथ खड़ा कर ले।
जो दिल से मानता है। और एक बार इस कैमरे में यूट्यूब से दुनिया देखेगी आपके चेहरे, मेरे साथ ताली बजाते हुए मुंह से बोल दीजिए, सिद्ध सेवा धाम की जय। सिद्ध सेवा धाम की जय। खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने गोविंद का रास्ता दियो बताए, अपने गुरु से कौन कौन प्यार करता है ये भी कैमरे में रिकॉर्ड होनी चाहिए। अनिल पुरोहित थारी जय। शिव कुमार जी बेरली से आए, अच्छा वो परिवार के पास पहुंच जाए। ग्रस्त भोग और काम रति का, ग्रस्त भोग और काम रति का, कर निर्वाण दिया था। ग्रस्त भोग और काम रति का, कर निर्वाण दिया था। साधु हो भगवान रूप तन दे प्रमाण दिया था। साधु भगवान रूप तन दे प्रमाण दिया था। और बड़ा अच्छा लगा जब ये रात को कार्यक्रम था, मैं यही भजन गा रहा था। आदरणीय विजय बुर्थला जी आए, आज तो बच्चों के साथ आए हैं, उसी टाइम इन्होंने मंच के माध्यम से कह दिया कि आज से मैं आपको अपना गुरु धारण करता हूं। इस बात के लिए भी ताली होनी चाहिए। क्षेत्र की बड़ी ओजस्वी हस्ती है। विजय पुरतला भाई थारे धोक लगाने आए हैं। विजय पुरतला भाई थारे धोक लगाने आए हैं। सन्नी भाई पर शांति यादव, सन्नी भाई पर शांति यादव अर्जी लगाने आए हैं। सन्नी भाई पर शांति यादव अर्जी लगाने आए हैं। बहुत सारी हस्तियां बैठी है, सबके नाम कुछ के कदे गलत बोल दो, पर सभी के लिए जोरदार ताली बजा के आप आशीर्वाद दे दो। ब्रह्मपाल के है अमित चौधरी। सेवा धाम निराला, सिद्ध सेवा धाम।
भाई राजगढ़ से, वो 500 रुपए से भजन पर खुश होकर मेरा सम्मान कर दे। आप ताली बजा के भाई का सम्मान कर दो। अनिल गुरु जी थारी जय, अनिल गुरु जी थारी जय। मुझे बहुत देख लिया, इनको भी दिखाओ भाई, कैमरे से घुमा लो, दोनों कैमरे घुमा लो, इनको भी पता तो लगे कौन कितनी भक्ति में बैठा है। जी आदरणीय अजय यादव जी 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, मेरी माता जी 100 रुपए से आशीर्वाद देती है, धन्यवाद। आदरणीय विजय बुरतला जी 500 रुपए देते, ये तो कभी 500 देते ही नहीं है, आज भजन पसंद नहीं आया होगा लगता है। आज आपके कौन है, ये तो 51 से तो कम कभी दिए ही नहीं, रिकॉर्ड है इनका। और लुल्ला ईर से सरपंच साहब बैठे हमारे बीच, वो भी 500 रुपए देते हैं। और गुरु जी जैसे इन्होंने आशीर्वाद लिया, मैं भी थारी जेब कर लू, 500 रुपए आशीर्वाद में आप तो भी चाहिए मुझे। पीढ़ी कौशिक जी ये भी सबकी जेब काट लेते अपनी बातों से, लेकिन आज मैं इनके भी काट रहा हूँ, ताली बजा दो यार। हाँ ये गुरुजी ने 500 रुपए मुझे 5 लाख के बराबर, इनकी कोई कीमत नहीं है, जोरदार ताली आशीर्वाद में दिए हैं। और भाई विजय बुरतला जी रह गए, मैं बता दूं कभी वो भूल रहे हो, जब वो भाषण करेंगे वो अपने आप दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी इन तक कोठी नहीं बनाया करती, गाड़ी का किराया लिखा है बस, एक बार ठाल बात कर लो सीधे। सिद्ध सेवा धाम की जय, अब भजन भजन अच्छा लगो तो मेरे लिए भी ताली बजा के आशीर्वाद दे दो। थैंक यू।